तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज आप लोग के लिए मैं एक नया अच्छा सा वीडियो लेके आ गया, एक खुशखबर लेके आ गया हूँ, जहाँ पे आप बिना वीडियो बनाए आप दूसरे का वीडियो यूज करके आप जो है महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हो। बस एक ट्रिक अपनानी है जिसे कहते हैं रिमिक्सिंग ग्रीन स्क्रीन। ये जो है यूट्यूब का एक नया अपडेट है जिससे आप जो है महीने के चैनल मोनिटाइज करा के आप पैसे कमा सकते हो। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली आपको जो प्रोसीजर आपको मैं बताऊंगा, ताकि जो कई लोग हैं छोटे चैनल वाले जो वीडियो नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे का चैनल यूज करके, दूसरे का वीडियो यूज करके उससे जो है अपने कैसे किस तरीके से अपने वीडियो पे चैनल पे अपने जो है वीडियो शॉर्ट्स अपलोड करके और जो है उससे जो है पैसे कमा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बस मैं आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे दिखाने के लिए। उसके पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है चैनल पे नए हो तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि लोगों को जिसको नहीं समझ में आती है उनको जो है काम आ सके। आप मेरा स्क्रीन देखिए, ये जो स्क्रीन अब मैंने अपने मेन स्क्रीन पे मैं लेके चलता हूँ आपको जो है कैसे उसको रिमिक्सिंग किया जाएगा, कैसे दूसरे का वीडियो यूज करके जो है अपने चैनल पे आप अपलोड कर सकते हो शॉर्ट वीडियोस को। तो ये मेरा स्क्रीन है, पहले मैं चलता हूँ यूट्यूब में, मैं यूट्यूब मैंने ओपन कर लिया है, आप यूट्यूब में चले जाइए। वहां पे जाने के बाद जो है आप जो है अच्छे से अच्छा एक वीडियो जिसका जो है फेमस यूट्यूबर है तो उनके आप ऑन कर लीजिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो है बॉबी, यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए बॉबी, यहाँ पे आप रुकिए मैं आपको टाइप करके दिखाता हूं, यहाँ पे बॉबी प्रैंकस्टर। तो ठीक है, तो ये देखिए बॉबी प्रैंकस्टर मैंने एक ऑन कर लिया है। अब इनके अगर मैं चैनल पे जाता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे 25 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके, 25 मिलियन यानी समझ सको 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर है इनके चैनल पे। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप इनके जो है चैनल पे चले जाएंगे तो आप इनका शॉर्ट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे हर शॉर्ट्स पे इनके जो है 1.5 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू, 25 मिलियन व्यू, 40 मिलियन इनके व्यू पे व्यू जो है बढ़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद कोई एक वीडियो जो है आपको उठाना है, शॉर्ट्स पे चले जाइए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 10 मिलियन व्यू है, 10 मिलियन व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वीडियो जो प्ले हो रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक क्या करना है, यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है लाइक का है, दूसरा ऑप्शन डिसलाइक का है, तो इस तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे कमेंट का है, जो आप कमेंट कर सकते हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पे शेयर का है, किसी को आप शेयर कर सकते हो। पांचवा ऑप्शन आपको दो एरो का जैसे दिखता है यहाँ पे, देखिए जिसको कहते हैं रिमिक्सिंग। ठीक है, रिमिक्सिंग जो होता है, रिमिक्सिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। रिमिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे आपको चार ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है यूज दिस साउंड, यूज दिस साउंड में ये होता है कि जैसे कि आप खाली इस जो शॉर्ट वीडियो है इसका साउंड आप यूज कर सकते हो, आप उसी के जगह पे जो है अपना आप जो है वॉइस आपको बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप एक्टिंग करके उसको यूज कर सकते हो। दूसरा जो है कोलैब, कोलैब यानी ये होता है जब आप जो है कोई वीडियो स्टार्ट करोगे तो हाफ एंडिंग कोलैब होता है, यानी कि आपने उसे रिमिक्सिंग पे क्लिक किया तो आधा पिक्चर आपका होगा, आधा पिक्चर जो है सामने वाले का होगा, तो आप उसमें कुछ भी रिएक्शन कर सकते हैं, हंस सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे वॉइस डबिंग कर सकते हैं, तो वो अलग हो जाएगा। तीसरा होता है ग्रीन स्क्रीन, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ग्रीन स्क्रीन जिसमें जो आपको बात कर, आप ग्रीन स्क्रीन में जाइए। और चौथा ऑप्शन होता है कट द वीडियो, यानी कि आप वीडियो को कट करके आप अपना कुछ वीडियो उसमें ऐड कर सकते हो, कोई हंसी के दौर पे, मिमिक्री के दौर पे, जैसे आपको वीडियो ऐड करना है। तो मैं चलता हूं ग्रीन स्क्रीन पे। ग्रीन स्क्रीन पे जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस जो है दिखाई देगा, जहां पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको वॉल्यूम में कम कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए वीडियो प्ले हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे देखिए 15 सेकंड का ये ट्रैप एडिट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको पूरा 59 सेकंड कर देना है, पूरा पूरा वीडियो आपको लेना है, छोटा सा वीडियो नहीं लेना, पूरा वीडियो लेना है। तो आप इसको नीचे से थोड़ा सा पकड़ के आप इसको ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग जब कर देंगे तो यहाँ पे जो है आपका हो ये स्टार्ट हो गया है, तो आपको यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, डन जब कर दोगे तो ये जितना, अगर 1 मिनट का वीडियो है तो 1 मिनट का समय वो लेगा, 1 मिनट से कम भी ले सकता है, थोड़ा सा कम लेगा, उसके बाद जो है ये वीडियो जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे स्टार्ट होने देते हैं, थोड़ा सा समय लगता है इसके लिए, हम इसमें वीडियो स्किप नहीं करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि इसमें जो है। और हाँ दोस्तों,
जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है यूट्यूब की तरफ से, जिससे आप जो है जो नए यूट्यूबर है जो नहीं कर पाते वीडियो नहीं बना पाते वो इससे जो है कमा सकते। तो देखिए यहाँ पे जो है सारी चीजें जो है स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कैमरा जो है आपको फ्रंट कर लेना है। कैमरा जब आप फ्रंट करोगे तो यहाँ पे आपको देखो खुद का चेहरा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इस चेहरे को जो है आप जो है कहीं पे भी देखिए इसको आप मूव कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है इसको जो है पहले दो उंगलियों से जो है इसे एनलार्ज स्मॉल बड़ा कर सकते हो। तो इसको जो है थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको आप जैसे छोटा करेंगे तो उस पर जो है छोटा करने के बाद जो है आपको एक जगह पे उसको ले जाके शिफ्ट करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया, ये जो है इसको लेके आया और मैंने यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिया, या पे आप यहाँ पेस्ट कर दिया, जहां आपका मन करे आप वहां ले जाके पेस्ट कर दिए, यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो है यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली एक काम करना, जो रेड बटन है उसको आपको प्ले करना है। प्ले करोगे तो वीडियो जो है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, इस पे जो एक हंसी रिएक्शन देना है। आप इस यहाँ पे देखिए आप माइक भी ऑन करके रिएक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पे आप रिएक्शन दीजिए, आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो कि देखिए अरे ये बंदे ने तो मार दिया इसको, ठीक है, अरे ये बंदी को गाड़ी मिल गई। तो इस तरीके से देख के जो है आपको वर्डिंग्स बोलना है और रिएक्शन देना है। कुछ भी आप हंसी दे दीजिए, अरे इसे तो इसने येड़ा बना दिया। तो इस तरीके का वर्डिंग्स आप दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये जो अब ये प्रोसेस जो है पूरा देखिए वीडियो प्ले हो रहा है, एक मिनट का वीडियो है जो 59 सेकंड का वीडियो पूरा सा पूरा प्ले हो जाएगा। आपको रिएक्शंस नीचे जो है वहां पे देखते रहना है, देना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब इसको पूरा प्रोसेस जाने, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए ये पूरा प्ले हो रहा है, पूरा वीडियो को आपको जो है स्किप जरा सा भी नहीं करना है, पूरा वीडियो प्ले हो जाएगा। प्ले होने के बाद जो है आपको सिंपली एक काम करना है, ये होने के बाद आपको इसको जो है ओके कर देना है। ओके यानी कि नीचे एक एरो का बटन आएगा, उसे आपको जो ओके करना है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। अभी इसको ओपन हो जाने दीजिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये होने के बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बोला था आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर लिखा हुआ है, वॉइस ओवर यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप बोल के आप जो रिकॉर्डिंग्स करते रहिएगा जब भी रिएक्शन, तो इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जब करोगे तो आपको जो अपलोडिंग का पेज आ जाएगा, अपलोडिंग के पेज में यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी जो है अपना कवर रख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने का देखिए यहाँ पे, तो आपको जो सिलेक्शन करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे डन कर दिया। डन करने के बाद वो जो है अब यहाँ पे आने के बाद आपको जो है सेम जो बंदे का कैप्शन था वहां पे आप उसको उठा के लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिस्टर एक्टिवा जैसी शक्ल, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा अलग दिखता है, यूनिक दिखता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक्टिवा जैसी शक्ल, ठीक है, ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। उसको डालने के बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं जो है अपना हैशटैग लगा दूंगा, हैशटैग में कॉमेडी लगा देता हूँ, फनी लगा देता हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हैशटैग में जाने के बाद यहाँ पे देखिएगा जब शॉर्ट्स आप लिखोगे तो देखिए किसमें सबसे ज्यादा व्यूज वगैरह है। शॉर्ट वीडियो में देखिए 11 मिलियन व्यू है, चैनल है, तो यहाँ पे ये लीजिए। फिर उसके बाद फनी लीजिए, फनी वीडियोज लीजिए, तो यहाँ पे फनी वीडियोज में देखिए 3.6 मिलियन चैनल्स है, तो यहाँ पे ये ले लीजिए। ऐसे करके जो है आपको हैशटैग्स लगाने हैं जिससे आपको जो है आपके चैनल जो है आगे चले जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे आने के बाद आपको ऑडियंस सिलेक्ट करना है, जो आपको नॉट फॉर किड कर देना है। या आपने किसी का भी आप सिलेक्ट करते हो तो वहां पे ऑडियंस सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप जो है ये सब होने के बाद यहाँ पे विजिबिलिटी आपका पब्लिक होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप जो है वहां पे लिख सकते हो कि किस बेसिस पे आप हैशटैग लगा, हैशटैग में जाके हैशटैग लगाइएगा। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो है अपलोड शॉर्ट्स कर देना है। जब आप अपलोड करोगे तो ये जो है आप यहाँ पे देखिएगा नीचे आप देख रहे हो, तो ये वीडियो जो है मेरा अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपलोडिंग हो रहा है, ये थोड़े कुछ समय में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ये अपलोडिंग हो जाएगा। 92% अपलोड हो गया, प्रोसेसिंग हैज स्टार्टेड। देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आता दोस्तों। तो उसका बेफिक्र होके आप वीडियो अपलोड कीजिए, जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी अपलोड जैसे ही हो जाएगा तो आपको मैं दिखा दूंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस पे। अभी देखिए प्रोसेस हो रहा है, 19% हो गया, इसको थोड़ा सा होने में टाइम ले रहा है, थोड़ा सा समय लेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि देखिए यहाँ पे जो है
अपडेट हो गया है। यहाँ पे देखिए कोई नो व्यू लिखा है लेकिन यहाँ पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और ये वीडियो आपका अपलोड हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल मेथड है जहां पे जो है आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पे कोई डर नहीं है। आप खाली वीडियो अपलोड कीजिए और जो है आप आपके वीडियो पे व्यू पक्का आने हैं और इसके साथ में आपके सब्सक्राइबर की बारिश होगी। आपके सब्सक्राइबर हर दिन आप देखें कम से कम 50-100 सब्सक्राइबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बस आपको जो है इसको फॉलो करना है और अच्छे से अच्छा वीडियो चैनल जो है सिलेक्शन कीजिए और उसको अपलोड करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है मैंने आपको ये बताया है, इसमें जो है आपको ये चीजें बहुत हेल्प होंगी। और आगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन से वीडियोस जो है आप मैं यहाँ पे प्रेजेंट करके आपके लिए सपोर्टिंग में डालूं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई एक सपोर्ट वीडियो लेके आऊंगा। आप जो है तब तक आप मेरा वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और लाइक कीजिएगा दोस्तों। बस चलता हूं मैं, अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ सपोर्ट के साथ।